चलिए चैम्बर फिल्टर ये इसको निकालते हैं दोनों तरफ से निकाल के आपको दिख रहा है ये वाली, इसको आगे खींचना है, आगे खींच के मैं दिखाता हूँ। ये मेरी एमएज 2018 वाली, जिसमें आप लोग जानते हो आज का वीडियो का मकसद ये है कि इसमें जो कैबिन फिल्टर है या इनको एसी फिल्टर भी कहा जाता है, ये कैसे बदला जाता है। मैं इंजन ऑयल चेंज किया कल, और मैं जैसे होंडा सिटी में होता है वैसे सोच लिया, और कैबिन फिल्टर तो खरीद चुका हूँ, मैं रखा हूँ, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। एक ऑब्जर्व का इसके लिए ख़रीदा हूँ, एक होंडा सिटी के लिए ख़रीदा हूँ, IVTEC बराबर है, दोनों सही में। तो आपको बस इसको थोड़ा जुगाड़बाजी करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे सामान मैं निकाल देता हूँ। ये दो चीज़ें हैं जो यहाँ अटक रहा है, तो आपको प्रेस करना है। मेरे शॉर्ट वीडियो में भी आप देख सकते हो, ये प्रेस करना है, प्रेस करके इसको नीचे गिरा सकते हो और ग्लोव बॉक्स के सामान निकाल सकते हो। ये जो चीज़ें हैं इसमें खाली है, इसमें कोई कैबिन फिल्टर नहीं है। एमएज के जो लेटेस्ट आ रहा, अभी 2021 का जो फेस लिफ्ट आया है उसमें इन्होंने दे रखा है, और बुडमोस में आप इसका जुगाड़ ले सकते हो। वो फिल्टर के साथ साथ एक कैप भी देता है, अगर बुडमोस से आप ख़रीदते हो तो। इनको हमें कट करना है, कुछ लोग पूरा कट करके फिल्टर डाल के फिर से फिक्स करते हैं, बट मैं सोच रहा हूँ, मैं नाइफ़ ले लिया, 10 रुपये का नाइफ़ ले सकते हो, पेपर कटर, और ऐसे, और नीचे से और एक साइड से ऐसे कट करेंगे, ऊपर वाला हिस्सा वैसे ही रखेंगे, और फिल्टर को ऐसे अंदर करके फिर इसको दबा देंगे। हो सकता है यहाँ पे थोड़ा मैं कुछ ग्लू डालूँगा कोने में फिक्स करने के लिए, बट ये अभी करके देखते हैं। मैं इसको काटता हूँ, काट के आपको दिखाता हूँ। फिर फिल्टर तो है मेरे पास, जैसे आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे ऑब्जर्व का फिल्टर मैं ख़रीदा हूँ, और एक भी फिल्टर है, दोनों सेम है, सिटी के और एमएज के मोस्ट ऑफ द पार्ट सेम गाइस। जैसे कि ऑयल फिल्टर सेम है, खाली एयर फिल्टर का शेप अलग है, अदरवाइज बाकी फिल्टर सेम है। इंजन ऑयल के कैपेसिटी थोड़ा बहुत अलग है, और एमएज का डीजल तो ऑलमोस्ट बराबर की है सब कुछ, बट ये पेट्रोल गाड़ी है, IVTEC CVT वेरिएंट है ये। चलिए मैं इसको काटता हूँ, साइड साइड से काटता हूँ। ये पतली प्लास्टिक है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, और इसके वजह से थोड़ा खांसी भी हो रहा है गाड़ी के अंदर, थोड़ा धूल मिट्टी भी बढ़ रहे हैं। अब मैं रियलाइज़ नहीं किया इतना धूल मिट्टी क्यों आ रहे अंदर, लेकिन अब ये दिया नहीं है होंडा, तो इनको अभी तो रियलाइज हो गया है। इंडिया में हम कार के अंदर भी सेफ नहीं है, तो चलिए मैं थोड़ा बहुत काट के इस साइड, ये साइड ऊपर का साइड काटूंगा नहीं, ये साइड काट के आप लोगों को वापस आता हूँ। जैसे मैं ऊपर छोड़ के तीनों तरफ ये साइड और नीचे काट रहा हूँ, ये जो ब्लेड है ना ये थोड़ा बहुत ख़राब हो रहा है। आपको पता है ब्लेड का जो पीछे का हिस्सा है उसे हम एक एक टुकड़े को ना काट काट के फेंक सकते हैं। जैसे ये एक पोर्शन है, दिखाता हूँ मैं आपको, ऐसे लगा के ट्विस्ट कर देना है, ट्विस्ट करने से कट जाएगा ये। ऐसे एक एक हिस्सा आप काट के फेंक सकते हो। कारपेट वालों को ये पता है, मैं एक जेनेरिक नॉलेज दे रहा हूँ, ऐसे भी आप कर सकते हो, क्योंकि ये जो एज है ये प्लास्टिक से कट जाती है, ख़राब हो जाती है इसका जो एज है, तो ऐसे शार्प एज रहेगा तो फिर से हम काट पाएंगे इसको।
काट के मैं वापस आता हूँ। थोड़ा पेशेंस रख के करना होगा, ये थोड़ा सेफ्टी भी है, चाकू भी यूज कर रहे हैं हम लोग तो। तो फ्रेंड्स, चाकू का काम ख़त्म है, काट दिया। और अब यहाँ पे भी थोड़ा ब्रिटल है, मुझे लग रहा है ये कट जाएगा यहाँ पे, बट हम इसको बाहर लेके आएंगे फिल्टर डालने के बाद, फिर हम इसको लगा देंगे। इसको बाहर लेके आता हूँ मैं, ऐसे इसको ऐसे खींच लिया, आप लोग देख सकते हो अंदर क्या है। एक ब्लोअर है जो होंडा सिटी में यहाँ पे एक फिल्टर का ऑप्शन देता है, और इन्होंने इसमें दिया नहीं। नीचे एक ब्लोअर है गाइस, और कुछ है नहीं इसमें। अब फिल्टर की बारी है, फिल्टर रख के इसको बंद कर देंगे। हो सकता है ग्लू गन थोड़ा लगा के आगे से इसको क्लोज कर देंगे। फिल्टर लगाता हूँ मैं। कुछ लोगों का सवाल है कि फिल्टर ऐसे लगाए, ऐसे लगाए, ऐसे लगाए। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, हमें फिल्टर को ऐसे लगाएंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। तो कुछ फिल्टर्स में डायरेक्शन दिया जाता है फिल्टर का और एयर फ्लो का। एयर फ्लो का डायरेक्शन हमेशा नीचे होता है, तो जहाँ पे लिखा है लिखा उसी डायरेक्शन में डालना है, लेकिन ट्विस्ट कर देना है ऐसे, और केयरफुली डालना है इसको। ठीक है, ये फिल्टर तो सेम साइज है सिटी के, एमएस के, बीआरबी के, बहुत सारे गाड़ियों के। धीरे धीरे करके आपको साइड से लेना पड़ेगा और इसको फ्लाप को उठाना पड़ेगा। बहुत सिंपल है गाइस, ये थोड़ा केयरफुल करना है, ये प्लास्टिक से फिल्टर टूट ना जाए। चलिए बाकी का हिस्सा अंदर करके बताता हूँ। आप देख पा रहे हो गाइस, ये पूरा फिट हो गया अंदर। आपको बस ये ढक्कन को बंद करना है, और अगर आपको ग्लू लगाना है ग्लू लगा सकते हो, नहीं तो वैसे ही छोड़ सकते हो। ये ऐसे दबा सकते हो थोड़ा, वैसे इंजन पार्ट से तो कोई वैसे देखने वाली बात है नहीं, आप ऐसे छोड़ सकते हो इसको। ये हो गया आपका फिल्टर रिप्लेसमेंट, केबिन फिल्टर या एसी फिल्टर एमएस गाड़ी में। नए गाड़ियों में 2021 के बाद इनका कोई इशू नहीं है, क्योंकि इन्होंने होंडा वालों ने दे दिया है अपग्रेड में, फेसलिफ्ट में दे दिया। 2021 का फेसलिफ्ट में इन्होंने दे दिया है। मैं थोड़ा साफ कर लेता हूँ, अब बस इतना ही गाइस। कल रात को मैं फिक्स कर लेता, लेकिन ये इवनिंग हो गया था और मैं इसको काट नहीं पाया। मतलब ये सब जुगाड़ करना है करके मुझे पता नहीं, शोरूम वाले भी यही करते हैं। बुडमोस में भी जैसे बताया, बुडमोस में इसका ये पूरा काट के आप फेंक दोगे, और यहाँ पे एक अडाप्टर टाइप का फिक्स करने के लिए मिलता फिल्टर के साथ, बुडमोस से अगर आप मंगाते हो पार्ट्स। तो ये बात है, इतना ही है, बस इसको क्लोज करते हैं। चलिए गाइस, थैंक यू। बस ये भी फिट हो गया, सामान रख लेते हैं इसमें। सामान भी रख लिया, चाकू भी 10 रुपये का, तो ये काम भी हो गया। 10 रुपया लगा, थोड़ा कसरत करना पड़ा जो मुझे पसंद है, नॉर्मली मैं करता रहता हूँ।
जो लोग खुद रिपेयर करते हैं ये सब छोटी छोटी चीज़ें उनके लिए। चलिए, थैंक यू।